बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आरके नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज साथियों एक बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इस पुस्तक का रिव्यू करने वाला हूँ मैं। अब साथियों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कर दीजिए। अब साथियों इस पुस्तक का रिव्यू करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए जानकारी देना चाहता हूं जो अलग अलग स्टेट के हैं और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको राजस्थान का जो इतिहास है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो राजस्थान का कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं। उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इस पुस्तक का रिव्यू हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, इस पुस्तक का रिव्यू भी किया जा चुका है, वो आप देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर। आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा की ये पुस्तक है, इसका भी रिव्यू हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इतिहास NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल की बहुत ही प्यारी गाइड है साथियों, इसका भी रिव्यू आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। विश्व का इतिहास आप पढ़ना चाहते हो तो इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक है दिए गए हैं वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी साथियों इसी चैनल पर। भारतीय इतिहास किरण पब्लिकेशन की बहुत ही प्यारी गाइड, विश्वसनीय गाइड, इसके बारे में भी जानकारी मैं दे चुका हूँ। MCQs की प्रैक्टिस करते हो तो दृष्टि IAS की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है जिसमें भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 2500+ महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो। कला एवं संस्कृति से संबंधित ये दृष्टि IAS की पुस्तक है, इसका भी रिव्यू किया जा चुका है। अब साथियों मैं जानकारी देता हूँ आपको राजस्थान का इतिहास। इससे पहले साथियों एक छोटी सी गाइड है, बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है, ये है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। जब तक आप समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं करेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए साथियों मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि समय का सदुपयोग ज़रूर कीजिए। और एक है साथियों दिशा पब्लिकेशन की, जिसके अंदर 10,000 महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं, इसका भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए अगर किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो। तो 2021 की साथियों ये है सामान्य अध्ययन मनोहर पांडे की अरियन पब्लिकेशन, जो लेटेस्ट वर्जन है 2021 का। इस गाइड में भी बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, अच्छे से समझाए गए हैं, इसका रिव्यू आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिए। अब शुरू करते हैं साथियों राजस्थान का इतिहास और राजस्थानी जितने भी है जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित पुस्तक का जो रिव्यू देखना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल पुस्तक है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाषा शैली इस पुस्तक की बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको पढ़ा है, समझा है, इसलिए मुझे पता है। इसलिए साथियों आप इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब साथियों इस पुस्तक में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक मिलने वाले हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले साथियों आप यहां पर देखेंगे तो राजस्थान का जो ऐतिहासिक भूगोल और उसका जनजीवन पर प्रभाव, पूरी जानकारी आपको इस गाइड के अंदर मिलेगी। और अधिक जानकारी चाहिए तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस पुस्तक के बारे में और क्या जानकारी आप चाहते हो। ये तो मैं एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। और उसके बाद में साथियों राजपूत राज्यों के उदय से पूर्व प्राचीन जो राजस्थान था उसके बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ में दिया गया है। प्रत्येक टॉपिक को अंदर जब आप जाएंगे, प्रत्येक टॉपिक के जैसे राजपूत राज्यों के उदय के पूर्व प्राचीन राजस्थान, इसके अंदर जब आप जाएंगे साथियों इतने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें दिए गए हैं, यानी काफ़ी विस्तार के साथ इसमें समझाया गया है। उसके बाद में साथियों राजपूतों का उदय और उसकी उत्पत्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलने वाली है। गुहिलों का उदय इसमें 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, इसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रतिहारों का उदय उसके बारे में भी जानकारी दी गई है 7वीं से 12वीं शताब्दी। उसके बाद में साथियों परमार और उससे संबंधित जो राज्य विस्तार है 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान में, उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलने वाली है। राठौड़ों का जो उदय और विकास है उसके बारे में जानकारी दी गई है। चाहमानों का राज्य विस्तार उसके बारे में भी, जो चौहान वंश है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अन्य जो राजपूत वंश हैं उनके बारे में भी जानकारी इस पुस्तक में आपको मिलने वाली है। शासन और समाज के बारे में
जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, पूरी जानकारी आपको इस गाइड में मिलने वाली है। बाकी साथियों, आप यहां पर मध्यकालीन इतिहास की सामग्री भी देखेंगे, जिसके अंदर अभिलेख और उसके अंदर पूरी जानकारी मिलेंगी साहित्य से संबंधित, और जितने भी आपको इन पुरातत्व स्थल है उनके बारे में भी जानकारी इसमें मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों, राजस्थान के जितने भी बाहरी आक्रमण राजस्थान पर हुए थे उनके बारे में जानकारी दी गई है, जो कि 8वीं से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी तक चौहानों का जो संघर्ष है, पृथ्वीराज तृतीय का युग है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार के साथ इसमें दी गई है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से विस्तार के साथ समझाया गया है। उसके बाद में साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे सिसोदिया शक्ति और उनका विस्तार, तुर्क विद्रोह, उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। राठौड़ों की बढ़ती हुई शक्ति और तुर्कों का जो विरोध किया गया था उनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है साथियों, जिसके अंदर मेवाड़ के शासक और संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। महाराणा सांगा के बारे में पूरी जानकारी दी गई है साथियों, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और इनसे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस पुस्तक में। राठौड़ों की जो चरम शक्ति है उसका पूरा विवरण इस पुस्तक में मिलेगा आपको। मुगल और अफगान का जो विरोध किया था उनके बारे में जानकारी दी गई है। बीकानेर के राठौड़ और मुगल संघर्ष, इसमें साथियों आपको पूरी जानकारी इस पुस्तक में मिलने वाली है। युद्ध और प्रमुख संधियां जितनी भी हुई है उनके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है साथियों। कछवाहों के जो शक्ति और विस्तार, मुगलों से संबंधित जो है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। बीकानेर के शासक और मुगल साम्राज्य की सेवाएं, इनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इसी गाइड में मिलने वाली है साथियों। उसके बाद में बूंदी राज्य और मुगल साम्राज्य की सेवाएं, कोटा राज्य और मुगल संबंध के बारे में जानकारी दी गई है। जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उसके संघर्ष और उतार चढ़ाव के बारे में इस गाइड में विस्तार के साथ दिया गया है। राजस्थान और मुगल लोगों के मध्य जो संबंध थे उनके बारे में समझाया गया, समाज और समन्वय के बारे में समझाया गया। राजस्थान के मध्ययुगीन आर्थिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी दी गई है। राजस्थान में मध्यकालीन धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी इस गाइड में आपको मिलने वाली है साथियों। उसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो मध्ययुगीन राजस्थान में जो शिक्षा है उस शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी आपको इस गाइड में मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों, राजस्थान में स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था उस विकास के बारे में इस पुस्तक में पूरी जानकारी आपको दी गई है। चित्रकला, राजस्थान और राजस्थान का मध्यकालीन शासक, उसके बाद में राजस्थान का जो शासन का स्वरूप है उसके बारे में पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। आशा करता हूँ साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो साथियों इस प्रकार की जितनी भी गाइड है, अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है साथियों, और अगर आपको अलग सब्जेक्ट जैसे इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, या फिर किसी भी प्रकार की बुक लेने से पहले अगर आपको रिव्यू देखना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए। वहाँ पर आपको प्रत्येक विषय की एक विश्वसनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारी गाइडों का रिव्यू मिलेगा। अब साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद, नए जोश और नई आशा के साथ। तब तक साथियों आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और लगातार मेहनत के साथ में साथियों आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।